सारा देश में कोलाहल मच गया है एक व्यक्ति के कारण, और वे व्यक्ति हैं उनका खुद का बेटा अबशालोम। सारे नगर के लोग, सारे राज्य के लोगों में कोलाहल मच चुका है, जहां देखो वहां तबाही मच चुका है। पूरे राज्य को उन्होंने उलट पलट कर दिया है। राज गद्दी का जो प्रीति होती है, स्नेह होती है, चाहे वो बेटे की हो चाहे किसी और की क्यों ना हो, जिसको राज गद्दी की ताह होती है, प्यास होती है, भूख होती है, तड़प होती है, उसके कारण देश में कोलाहल मच जाता है। जो जो अपने आप को राज सिंहासन पर स्थापित करना चाहते हैं, उसी के पर बैठे रहना चाहते हैं, ऐसे प्यासे लोगों के कारण, ऐसे भूखे लोगों के कारण बेकसूर लोग मारे जाते हैं। आज देश देश के सिंहासनों के ऊपर, देश देश के सिंहासनों के ऊपर ऐसे भूखे प्यासे मूर्ख और क्रूर लोग बैठे हुए हैं, जिनके कारण सैकड़ों लोग समाधि की ओर जा रहे हैं, सैकड़ों लोग समाधि की ओर जा रहे हैं। आज कोई जश्न नहीं दिखाई पड़ता, आज कहीं पर कोई शुभ कार्य नजर नहीं आता है। आज अगर कहीं पर भीड़ पड़ी है, कब्रिस्तानों में, श्मशान घाटों में पड़ी हुई है। राजद्रोह, राज सिंहासन की प्रीति इतनी भयानक होती है, इतनी भयानक होती है कि पिता को नहीं छोड़ते, माँ को नहीं छोड़ते, किसी परिवार के सदस्य को नहीं छोड़ते। राजाओं की किताब को अगर आप पढ़ेंगे, इतिहास की किताब को अगर आप पढ़ेंगे, कितने राज इस प्रकार से नजर आते हैं जो इस राज सिंहासन की प्रीति के कारण राज सिंहासन को छोड़ दीजिए। किसी को खड़ा होना, किसी को कामयाब होना, किसी को सफल होना है, अपनी हुनर दिखाइए, अपनी कौशल दिखाइए, अपनी क्षमता दिखाइए, अपनी प्रतिभा को दिखाइए, अपने कामों को दिखाइए, उनके कारण उसे सीढ़ी बनाकर, उसे सीढ़ी बनाकर अपने मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। खुद चमकना चाहते हैं, खुद खड़ा होना चाहते हैं, किसी और को झुकाकर, किसी और के ऊपर पैर रखकर खड़े होकर, किसी और को दबाकर, किसी और को तबाह करके, किसी और को नाश करने की ये जो मानव नीति है, हर इंसान धोखा ही धोखा, मनो में धोखा ही धोखा, छल ही छल नजर आता है, कपट ही कपट नजर आता है। कौन अपने हैं, कौन बैरी है, समझना मुश्किल हो जाता है। कौन संगी है, कौन साथ दे रहे हैं, कौन विरोधी है, कौन खाक करने वाले हैं, इन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर के भक्तगण अगर इस प्रकार से ऐसी स्थितियों में से गुजरते हैं, निराशा जब उनके पर छा जाती है, परमेश्वर अपने वरदान को हम पर लेकर आते हैं, विश्वास का बीज हमारे भीतर बोते हैं, अपने वचन को हमारे भीतर जो लेकर आए हैं, इसलिए कहते हैं परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन किया करो। गीतकार दाऊद ने पहले इतनी शिकायतें की है, इतनी निराशा को दिखाया है, हार को दिखा दिया है, तबाही को दिखा दिया, लगभग वो मर गया है, अपने प्राण को छोड़ दिया ऐसी बातें कहने के बाद, अंत में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कौन है, क्या कर सकते हैं, इनके लिए क्या करते हैं, इनके लिए क्या, इनको जब याद करते हैं, फिर विश्वास की बातों को लेकर आते रहते हैं। मेरा परमेश्वर मेरी प्राण को बचा लेता है, मुझे छुड़ा लेता है, मेरी प्रार्थना को सुनता है, मुझे कुशल से संभाल के रखता है। वचन को दिन रात जो मनन करते हैं, वचन जो आपके भीतर रहती है, इन वचनों को सही समय पर उपयोग करने के लिए, ज्ञान के लिए प्रार्थना करें। ज्ञान काम करता है, ज्ञान बहुत से लोगों के पास है, लगभग सबके पास है, लेकिन वही इसमें से बच पाते हैं, वही किसी भी स्थिति में बच पाते हैं जो समयानुकूल ज्ञान का उपयोग करते हैं। हालातों में, स्थितियों में जिस प्रकार की ज्ञान का उपयोग करना है, ऐसे ज्ञान का अगर उपयोग ना करे, वो समयानुकूल, वो समयानुचित ज्ञान अगर काम ना करे, उस इंसान को बचा नहीं सकता।
उपद्रव हमारे चारों ओर घेरे हैं, छल कपट के बीच में हम लोग रहते हैं, दुश्मनों के साथ में चलते हैं, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, मीठी मीठी बातें करने वाले हमारे विरोध भी हो जाते हैं, कड़वाहट को दिखाने लगते हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है, हमें थक नहीं जाना है, हमें हार नहीं मानना है, परंतु हमें परमेश्वर के देखकर उनके पर भरोसा कर उठना है।